मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र मकबरा पुलिस चौकी के सामने एक रिटेल काउंटर का शुभारंभ पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी द्वारा किया गया है। इस रिटेल काउंटर से विद्युत उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक सेवर कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्ड की कीमत 6000 रुपए रखी गई है। इलेक्ट्रिक कार्ड की खूबियां बताते हुए कंपनी के CEO सुमित कपूर ने बताया कि कार्ड घर की बिजली को 15-30% कम करता है। साथ ही साथ इस कार्ड का फायदा ये भी है कि कार्ड खरीदने वाले उपभोक्ता को खाते में हर महीने 500 रुपए महीने की सब्सिडी आएगी। ये कार्ड घर के MCB बॉक्स पर लगेगा। उन्होंने कहा कि 1-7 किलोवाट के मीटर पर एक कार्ड इस्तेमाल होगा। इसका फायदा घर की आने वाली पीढ़ी को होगा। उनका कहना था कि घर में जो एक्स्ट्रा करंट यूज होता है उसको ये कार्ड रोकता है, बिजली का बिल 15-20% कम करता है। आगे उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग से ये कार्ड रजिस्टर्ड है। विद्युत विभाग द्वारा ऐसे कोई कार्ड लगाने पर उपभोक्ता को परेशान नहीं किया जाएगा और ना ही कोई आरोप लगाया जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से कोई परेशानी नहीं है। उनका कहना था कि विद्युत विभाग आरोप जब लगाता है जब उसके मीटर से छेड़खानी होती है। इस कार्ड को मीटर पर नहीं लगाना है, कार्ड घर की MCB बॉक्स। उन्होंने कहा कि 18 देशों में ये कार्ड चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी इस कार्ड का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी पिछले 5 साल से इंडिया में काम कर रही है। ये वेब प्रोडक्ट है जो हर घर को इसकी जरूरत है। वहीं सुमित कपूर ने कहा कि 6000 रुपए इस कार्ड की कीमत है और 10 साल तक ये कार्ड वैलिड रहेगा। कार्ड का फायदा ये है कि हर महीने कार्ड खरीदने वाले उपभोक्ता के खाते में 500 सब्सिडी आएगी। वहीं मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र मकबरा चौकी के सामने इस दुकान का शुभारंभ हुआ है। तारा इंटरप्राइजेस के नाम से ये दुकान संचालित की गई है। इस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की ज्यादा जानकारी YouTube व गूगल के माध्यम से ले सकते हैं। दुकान के शुभारंभ के अवसर पर मुजीब हुसैन, फहीम इमरान अंसारी, हुसैन अहमद, मोहम्मद रफी, मोहम्मद सालिम, नौशाद जाकिर, डॉक्टर आतिफ, शाकिब नईम आदि लोग मौजूद रहे। ये मैंने सारा इंटरप्राइजेस के नाम से एक एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट का वो किया है मैंने, और ये मकबरा पुलिस चौकी के सामने बिल्कुल है। अच्छा, इसका आज उद्घाटन हुआ है 24 तारीख 2022 को। अच्छा, कौन लोग थे उद्घाटन में शामिल? उद्घाटन में सर ये अपने CEO सर आए थे हमारे। अच्छा, और हाजी यूसुफ अंसारी थे जो पूर्व MLA रह चुके हैं। अच्छा, क्या मतलब क्या है इस कार्ड में? क्या सर है ये एक कार्ड है, ATM की तरह कार्ड है। हाँ। और इसमें 20,000 नेगेटिव फाइंस है। अच्छा, ये आपके घर की लाइट 15-30% बचा के देता है। अच्छा, नेगेटिव फाइंस आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, वो लाइट को कंट्रोल करता है। जो लाइट हम घर में यूज नहीं करते हैं उसका भी बिल हम लोग देते हैं। घर हो, ऑफिस हो या फैक्ट्रियां हो, उसमें ये लीकेज होती है लाइट की, तो उस चीज को ये कार्ड रोकता है। ये कार्ड कहाँ लगेगा फिर? ये कार्ड MCB के पास लगेगा। अच्छा। MCB के ऊपर लगेगा और ये आपका लाइट की बचत करेगा आपका 15-30%। क्या प्राइस होगा इसका? सर 6000 रुपए इसकी प्राइस है। बाकी इसका कोई बेनिफिट वगैरह जन उपभोक्ता को मिले? उपभोक्ता को एक तो 15-30% इसकी लाइट की बचत होती है। हाँ। और 10 साल तक ये कार्ड वैलिड है। अच्छा, और 500 रुपए इसकी सब्सिडी वर्ल्ड बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में आती है। सर ये कार्ड जो है आज हर घर के अंदर बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, बिजली के बिल दरें बढ़ी हुई हैं। ये कार्ड हमारे घर की बिजली को 15-30% तक कम करता है। साथ ही साथ इससे बेनिफिट होता है 500 रुपये महीने की सब्सिडी का। आप अपने घर के MCB बॉक्स पे 1-7 किलोवाट के लिए ये कार्ड की रिक्वायरमेंट आप अपनी फुलफिल कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपके घर के आने वाली पीढ़ी को होगा, क्योंकि पॉल्यूशन रहित दुनिया रहेगी तभी आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे। आज आप अपने घर में अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं, आपके घर के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर घर की चीज़ों की बात करें, AC वगैरह सबकी लाइफ बढ़ती है। जितनी फ्लैक्चुएशंस होती हैं ये फ्लैक्चुएशंस कंट्रोल करता है। एक्सेस वोल्टेज जो करंट के रूप में वेस्ट होती है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है और आपका बिजली का बिल 15-30% तक डाउन करता है। एक कार्ड का टारगेट है सर 1-7 किलोवाट के लिए एक कार्ड की रिक्वायरमेंट।